ये फीमेल कहीं पे हमने दे रखी थी दो, तो जिसमें एक फीमेल की डेथ हो गई थी और इसको हम ले आए हैं वहाँ पे, वो पाल नहीं रहे थे इसको सही तरीके से। उनका जो नौकर था वो सही से खान पान नहीं दे रहा था इसको, तो इस तरीके से ये थोड़ी सी लूज हो गई थी। अब ये 2 दिन से हमारे पास आई है, तो आप इसका चेहरा और आप इसकी एक्टिविटी देख रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार, रामपुर हॉर्न ब्रीडर। और दोस्तों, आज मैं देना चाहता हूं अलविदा और ईद की शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। तो दोस्तों, अवधेश कुमार रामपुर हॉर्न ब्रीडर की तरफ से पूरे भारतवासियों को, पूरे देश को अलविदा और ईद की शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे हिंदुस्तान की जमी पर मेरा पैगाम लिख देना, कहीं पे वाहे गुरु, कहीं पे ईसा मसीह, तो कहीं पे राम और रहमान लिख देना। तो देखिए, ये जो मेरी रामपुर हॉर्न जो ब्रीड है, ये फीमेल कहीं पे हमने दे रखी थी दो, तो जिसमें एक फीमेल की डेथ हो गई थी और ये दूसरी फीमेल वो हम फिर वापस ले आए हैं। तो दोस्तों, आप इसको देखना, ये अभी 8 मंथ की बच्ची हुई है, 8 महीने की होने को जा रही है। आप इसका बॉडी का आकार देख सकते हैं, इसकी लंबाई, इसकी टेल देख सकते हैं, कितनी लंबी टेल इसकी और बीच सेंटर में है। आप इसका माउथ वगैरह देख रहे हैं, कितना पतला मुंह है इसका, और इसके एयर वगैरह कितने पीछे को टूटे हुए गुलाब की पंखड़ी के जैसे हैं। और दोस्तों, इसका चेस्ट का आप साइज़ देख रहे होंगे कि अभी से ये चेस्ट कितने बढ़िया इसका चेस्ट निकाल कर ला रही है। आप इसकी स्टैंडिंग से आप देख रहे होंगे कि ये फीमेल कब जो हमारी रामपुर हॉर्न की है, ये कितनी बढ़िया और कितनी ऊंची जाएगी। तो दोस्तों, ये जो बच्चा है, ये अभी अभी बच्चा है, ये अभी 3 4 6 महीने के बाद में जब ये पूरा लुक निकाल के लाएगी, तो आप देखना इसको, बहुत ही अच्छी हमारी ये फीमेल है। और दोस्तों, ये जो जो हमारे ये बच्चे थे, जो हमारी फीमेल ब्याई थी हमारे दोस्त की, तो हमने इन इन बच्चों को लूज समझ के किसी को नहीं दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा नाम खराब हो। मगर ये बच्चे इतने अच्छे निकले कि आप देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो 6 महीने पहले जो वीडियो हमने बाग में से डाली थी, और उसमें छोटे बच्चे दिखाई आपको दे रहे थे, पैर बहुत कमज़ोर कमज़ोर थे इन बच्चों के। और उन्होंने हम मुझसे कहा भी था कि अब्दे साहब, किसी को बच्चे देना हो तो दे दें, मगर वो मैं बच्चे मैंने नहीं दिए। ये उसी में की फीमेल है जो लूज बच्चे थे। आज आप देख सकते हैं, जब हमारी फीमेल लूज बच्चे जब हमारे इतने अच्छे हो रहे हैं, तो हमारे जो अब जो हमने मेट कराई हैं फीमेल है, उसके स्ट्रॉन्ग बच्चे कितने, मतलब साइज़ के और कैसे होंगे, आप इससे अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये जो हमारी फीमेल है, ये वही फीमेल है। और इसको हम ले आए हैं वहाँ पे, वो पाल नहीं रहे थे इसको सही तरीके से। उनका जो नौकर था वो सही से खान पान नहीं दे रहा था इसको, तो इस तरीके से ये थोड़ी सी लूज हो गई थी। अब ये 2 दिन से हमारे पास आई है, तो आप इसका चेहरा और आप इसकी एक्टिविटी देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरीके से ये, मतलब इसकी एक्टिविटी और कितनी ये सही हो रही है। और आशा है कि बहुत अच्छी फीमेल बनेगी ये, बहुत अच्छी फीमेल होगी, और इसके बच्चे भी आगे को बहुत अच्छे होंगे। आप इसका लुक देख रहे हैं कि कितना कमर का आकार इसका ऊपर को उठा हुआ है, और टेल इसकी लंबी, जो बीच सेंटर में से टांगों के बीच में से कितनी लंबी इसकी टेल है, और इसके ईयर कितने अच्छे हैं, इसका माउथ वगैरह कितना अच्छा है, और इसके आई वगैरह कितनी अच्छी हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी फीमेल है हमारी रामपुर हॉर्न की, जो नवाब रामपुर ने ये ब्रीड बनाई थी, उसको हम मेंटेन किए हुए हैं, और हम बहुत बहुत अच्छी साइज़ के फीमेल और डॉग्स तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बच्चा अब मैं इसको तैयार करूँगा बहुत अच्छी तरीके से। इस बच्चे को आप आने वाले समय में देखना कि इसका आकार और इसका लुक और इसकी हाइट कितनी अच्छी होगी। तो ये दोस्तों, ये फीमेल बहुत अच्छी फीमेल है और बहुत अच्छा लुक है इसका। तो इसके जो बच्चे होंगे वो भी बहुत अच्छे बच्चे होंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा रामपुर हॉर्न जो ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है, और मेरे पास ब्रिंडल और ब्लैक सभी कलर के डॉग्स हैं। ये थोड़ी बादामी कलर की, फाउन कलर की फीमेल है, और बहुत अच्छी फीमेल है। और इसका जो फादर है वो बहुत ही एग्रेसिव डॉग्स है,
बहुत ही भौंकता है, बहुत ही काटने को दौड़ता है और बहुत ही गार्डिंग के उद्देश्य से बहुत एक्टिव है। तो दोस्तों ये जो हमारी रामपुर हंट की जो ब्रीड है अवधेश कुमार की, वो बहुत ही तेज़ ब्रीड है दोस्तों। आपने देखी होगी, चाहे वो शिकार का के उद्देश्य से कोई पाले, या कोई हंटिंग के उद्देश्य से पाले, या कोई गार्डिंग के उद्देश्य से पाले, हर क्षेत्र में जो मेरी ब्रीड है वो कामयाब हो रही है। डिमांड इसकी बढ़ रही है दोस्तों, और देशों में भी इसकी मांग बहुत हो रही है दोस्तों, और मांग रहे हैं इसके बच्चों को और इन डॉग्सों को। और दोस्तों ये जो ब्रीड है बहुत अच्छी ब्रीड है, आप भी इस ब्रीड को पालें और इसको आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग दें। और आप मेरा सहयोग दे रहे हैं दोस्तों, और आपकी वजह से मैं इस ब्रीड को आगे ले जाने में कामयाब हो रहा हूं दोस्तों। तो ये जो रामपुर हंट की ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड है, जो तेंदुए से भी लड़ने की क्षमता रखती है दोस्तों, और बहुत ही समझदार होती है। आप इसका रुआ, इसकी टेल वगैरह देख रहे हैं, इसके टेल की लंबाई कितनी है कि ज़मीन छू रही है, बहुत अच्छी टेल की लंबाई है। और इसका चेस्ट आप देख रहे हैं, चेस्ट कि इसकी ये कैटेगरी है अभी से, चेस्ट ये अभी 7 महीने की 8 महीने की हुई भी नहीं है। तो इसका आप लुक देख रहे हैं, ये जो चेस्ट है और ये कमर का जो साइज़ है, देखो ये उठा हुआ जैसे कमान का जो आकार होता है इस तरीके की, ये आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी ये फीमेल दोस्तों है। तो ये बहुत लूज बच्चे थे जो मैंने किसी को नहीं दिए थे, ये उसी में की फीमेल है दोस्तों। और हमारे पास जो अगले महीने में जो बच्चे हो रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रिंडल बच्चे होने को जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे बच्चे होंगे। और एक जो मेरे पास काली फीमेल है दोस्तों, उसको मैं सेल भी कर रहा हूँ। और मेरे पास कई फीमेल हो गई हैं, मेरे पास 6-7 फीमेल हो गई हैं जिसमें मैं काली फीमेल को सेल कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो रामपुर हंट की ब्रीड है बहुत अच्छी ब्रीड है, इसको पालें और इसको आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग दें दोस्तों। इसी के साथ मैं अवधेश कुमार, रामपुर हंट ब्रीडर, आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।